हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा यूवा 3 प्रो फ़ोन है, तो लावा यूवा 3 प्रो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को बंद कैसे कर सकते हैं और अलार्म्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं लावा यूवा 3 प्रो फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को ऑफ कर पाएंगे लावा यूवा 3 प्रो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं और अलार्म को कैसे अपने फ़ोन में बंद कर सकते हैं लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आप अलार्म्स को बंद करना चाहते हैं, सेटिंग्स पे जाकर भी ऑफ कर सकते हैं, जहाँ से आपके पास सेटिंग्स आती है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, जहाँ से अलार्म को ऑफ कर सकते हैं। तो अलार्म वॉल्यूम है, इसको ऑफ कर देंगे तो अलार्म वॉल्यूम में म्यूट हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। या फिर अलार्म्स को यहाँ से बंद करना चाहें तो नॉन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ओके करते ही अलार्म आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा, कोई भी अलार्म आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से अलार्म साउंड वॉल्यूम को बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और आप देख सकते हैं जैसे आपके फ़ोन में ऑप्शंस आता है क्लॉक सेटिंग्स, तो क्लॉक आइकन्स पे जाकर यहाँ से भी अलार्म को ऑफ कर सकते हैं और ऑफ करते ही अलार्म आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को ऑफ कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं लावा फ़ोन में। और आप देखते हैं कि अलार्म टाइमिंग को भी डिलीट कर पाएंगे, यहाँ से डिलीट करते हैं तो अलार्म टाइमिंग भी आपके फ़ोन में डिलीट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अलार्म को ऑफ कर सकते हैं लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।